बहुत ही मिसहैपनिंग था। रुके एक सेकंड राहुल भाई, रुके रुके राहुल भाई, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और वापस से एक बार फिर बैटरी डेड हो चुका है। राहुल भाई, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, क्या किया जा सकता है, कोई बात नहीं है, चलिए। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आरएस से यहाँ से अभी 40-50 किलोमीटर दूर है, तुरंत हो जाएगा, सब होगा, सब सही होगा। चले 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 टो करते हैं। खैर की साथ सारा जुगाड़ था अपने पास, चले कोई नहीं, होता होता इतना इतना होता है। अरे राइट में तो ये सबसे आम बात है, इसका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो नहीं कर रहा, ये भी एक समझेंगे पार्ट है भाई, ये भी एक पार्ट है। एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। गैंगटॉक अभी भी 45 किलोमीटर दूर है। सर्विस सेंटर है कहाँ रॉयल एनफील्ड का, आप अभी पता करके रखिए, हम लोग दोनों साथ हैं, आ जाएंगे, ठीक है। चले एक बार फोन करके नॉर्मल देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं। रुक जाए एक सेकंड। और वापस से एक बार फिर बैटरी डेड हो चुका है एंड रुक की मदद से अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही मिसहैपनिंग था। रुके एक सेकंड राहुल भाई, रुके रुके रही अपनी बाइक, पुलिस भाई साहब है वो यहाँ पे गाड़ी लगवा दे रहा है एंड सुबह मॉर्निंग में आके हम लोग फिर बाइक को इस जगह से पिक कर लेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक भी जाम हो जा रहा है इस कारण से, वी आर स्ट्रगलिंग वेरी मच। हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और पुलिस की मदद से, ये हमारी पुलिस है, दे हेल्प अस एंड अरे गाड़ी को बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। इसकी बैटरी की कुछ इशू आई है, और भी हमारे पास गाड़ियाँ हैं, दो और गाड़ियाँ सेम है बैटरी, उसमें फोन होगा राहुल भाई, फोन उसी में ऊपर है। आपको जो भी सामान उसमें से जरूरी का निकाल लीजिए, बाकी लॉकर में छोड़ दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर डालना, इस नीचे ईमेल का है। राहुल भाई पहले नाम नंबर लिखवाइए। कल परसों चले थे, कल ही चले थे, सैटरडे चले ना मॉर्निंग में। हालत की तस्वीर थी रात में, आपको पता नहीं चला होगा, इधर हमने टो करने के लिए रस्सी यहाँ पे रखी थी, इससे क्या टो करने में थोड़ा इजी हो। इसी वाले से हमारे इसी वाले से हम लोगों ने फिर से टो किया, तमाम गाड़ी तो ठीक है, काट रहा हूँ अभी, वहाँ पर चलते हैं फटाफट से, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा करके जल्दी से निकलते हैं, ठीक है। चलो राहुल भाई चले, या तो फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या फिर बैटरी का इशू है, और जो भी हो चलिए देखते हैं। रात को बारिश काफ़ी हुई थी,
बहुत बारिश हुई है रात को तो पूरा चले। कोई नहीं रहो, नहीं गाड़ी आगे कर लीजिए। बहुत ही चलिए फाइनली हम लोग को गाड़ी तो मिल गई। कम भाई साहब आया वहाँ पर सर रात को। सर एक्चुअली हमारी गाड़ी सर ये हो गई थी, हाँ। ब्रेक डाउन हो गई थी, हाँ। तो हम लोगों ने मतलब यहाँ बात करके नंबर नोट करवा के गाड़ी मतलब यहीं पे छोड़ दिया था। अभी नहीं जाना है रॉयल इनफील्ड, हाँ रॉयल इनफील्ड से जाना है। ठीक है, रॉयल इनफील्ड से कुछ चलान वाले हम तो नहीं हुआ। नहीं 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 सर, सर यहीं पर एक्चुअली ब्रेक डाउन हुआ था तो आपको परेशान थे यही कॉर्नर में आगे पे खड़े थे, तो सर ने पूछा कि मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो बताया कि जस्ट गाड़ी यहाँ पे रात भर उन्होंने यही पार कराया था। बोले थे कि आप 8 बजे के बाद 8:10 जो भी टाइम हो रहा हो आके बस हम लोग बस गाड़ी यहाँ से आके बस लेके एंड देन गाड़ी लेके सब जाना। ठीक है, थैंक यू सर। पूछ रहे हैं सर कि क्या है, कॉल करके देखें। भाई फाइनली हम लोग बहुत मशक्कत के बाद ढूंढ ही लिए रॉयल एनफील्ड का जो है वर्कशॉप। बच गया तो गाइज कल की कठिनाइयों के बाद गिरते पड़ते संभलते जैसे भी हुआ हम लोग गैंगटॉक पहुँचे। गैंगटॉक में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और आज हम लोग चलेंगे जो गैंगटॉक का फेमस रोपवे है उसके ऊपर और देखेंगे कि रोपवे के ऊपर से गैंगटॉक कितना खूबसूरत नज़र आता है। अगर गैंगटॉक की बात करें तो गैंगटॉक की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है या यूं कहा जाए कि नामुमकिन है। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों के अंदर की डिसिप्लिन, खास करके मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक का, आप देख सकते हो कि ट्रैफिक जैम तो बिल्कुल भी वहाँ होता ही नहीं है क्योंकि लोग पहले ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। अगर गाड़ियाँ उन्हें लगानी होती हैं तो एक सीधी लाइन में लगाते हैं, जबकि और दूसरे जगह पे देखा गया है कि एक लाइन तो होता ही नहीं है। तो चलिए अभी पहले गैंगटॉक की खूबसूरती को गैंगटॉक के रोपवे से जो केबल कार है केबल कार से हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे बंजारिका फॉल। मैं उसके भी बारे में बताऊंगा। अभी सीन ये है कि अभिमन्यु भाई की जो हिमालयन है वो कल आप लोगों ने देखा कि वो बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी। पहले तो सबसे पहले तो उनका ब्रेक फेल हुआ, दूसरा प्रॉब्लम बैटरी का आया, फिर तीसरा प्रॉब्लम फ्यूल पंप का आया। लास्टली हम लोगों ने उस बाइक को रॉयल एनफील्ड की शोरूम सर्विस पे हम लोगों ने ड्रॉप किया और आगे का प्लानिंग हम लोग का ये है
कि हमारे पास अभी 3 बाइक्स और हैं, तो 3 बाइक्स पे 4 लोग हम लोग इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए अभी बंजारिका फॉल जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो 7 सिस्टर वाटरफॉल है, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आना बाकी है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। गैंगटॉक की बंजारिका फॉल यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। यह झरना 2 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है, जो कि गैंगटॉक से रंकामठ के रास्ते में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह झरना लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बहुत ही ताकत के साथ नीचे आता है